तेज खबर 24 में इस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर है, जहां पलसिया थाना क्षेत्र के मनोरमागंज स्थित शुभलाभ अपार्टमेंट में काम करने वाले सुरक्षा कर्मी की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इधर चौकीदार की हुई हत्या के बाद अब इलाके में सनाका खींचा हुआ है। बता दें कि पुलिस अपार्टमेंट सहित आसपास के सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बदमाशों को जल्द ही तलाश कर लिया जाएगा। दरअसल घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक रामबाबू रघुवंशी 20 दिन पहले बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने आया था, जबकि वह बबलू सिक्योरिटी एजेंसी में पिछले एक साल से काम कर रहा था। बिल्डिंग के लोगों ने बताया कि रोजाना की तरह देर रात तक रामबाबू को बैठे देखा गया था, लेकिन आज सुबह रामबाबू किसी को नजर नहीं आया और आज जब ड्यूटी बदलने का समय हुआ तो दूसरा गार्ड वहां आया और उसने देखा कि रामबाबू का शव अपार्टमेंट के चेकिंग रूम में खून से लथपथ पड़ा है। घटना की सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सहित एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और हत्यारों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।